और इस वक्त हमारे साथ किरण माहेश्वरी जी जो कि राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वे हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जलदाय विभाग आप संभाल चुकी हैं, अपनी पार्टी में कई बड़े पदों पर रह चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले किरण जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार 4 साल पूरे कर चुकी है, यहाँ कई जिम्मेदारियों का बोझ भी रहा है, सवाल भी उठे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा मंत्री आप रही हैं, इस विभाग को लेकर क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, ये सफर कैसा रहा है अभी तक का आपका? बहुत ही अच्छा रहा है। राजस्थान सरकार ने पिछले 4 साल में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अगर मैं विशेष तौर से उच्च शिक्षा की बात करूं तो उच्च शिक्षा में जो एक बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी शिक्षकों की कि हमारा पदनाम परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेक्चरर के नाम पर हमें भर्ती की जाती है और उसके बाद रिटायर होते हैं तब तक भी हम लेक्चरर ही रहते हैं। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया, लेक्चरर्स को पदनाम परिवर्तन उनका हुआ, अब लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन पाएंगे। प्रोफेसर के 477 पदों का भी राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। मैं समझती हूँ ये शिक्षा के अंदर जुड़े हुए ऐसे सारे शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार ने उठाया, जो वर्षों से लंबित था। हमारे बहुत सारे पद जो नए सिरे से भरने थे, जो कि रिक्तियां चल रही है, रिक्त पद है और काफी समय से जो इसका बैकलॉग था वो इकट्ठा होता जा रहा था, रिटायरमेंट होते जा रहे थे लेकिन पोस्ट सैंक्शन नहीं हो रही थी। इस बार राज्य सरकार ने 1248 की पोस्ट सैंक्शन करी, न केवल सैंक्शन करी, इनकी भर्तियों का प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आरपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट आया, इंटरव्यूज चल रहे हैं। लगभग 117 के करीब हमारे पास लेक्चरर्स आ चुके हैं आउट ऑफ 1248। नए सिरे से अगर देखें तो संस्कृत शिक्षा के अंदर भी हम बहुत ही ज्यादा परेशानी थी, शिक्षकों की बहुत कमी थी। अभी लगभग 2400 पद हमारे शिक्षकों के संस्कृत शिक्षा में भी, स्कूल शिक्षा में स्वीकृत हुए हैं, उनकी भी भर्तियां शुरू हो चुकी है। मैं समझती हूं कि इस बार राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती को लें, चाहे लेक्चरर्स की भर्ती कॉलेजेस के अंदर लें, चाहे उनके पदनाम परिवर्तन को लेकर लें, ये बहुत ही बड़े और अच्छे अहम कदम उठाए। यही नहीं, उच्च शिक्षा में शिक्षा का स्तर बढ़ाना, स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन मिले, गुणवत्ता सुधरे शिक्षा में, इसके भी कई प्रयास हम लोगों ने किए हैं और लगभग 100 कॉलेजेस को हमने रूसा के अंतर्गत 2-2 करोड़ रुपए प्रत्येक कॉलेज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, कुछ कॉलेजेस के अंदर रिनोवेशन करने के लिए, इस सब के लिए ये पैसा दिया है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। कॉलेजेस बनते थे लेकिन उनमें कलर भी नहीं होता था, रिपेयर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस बार हम लोगों ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से ये 2 करोड़ रुपए प्रत्येक कॉलेज को, यानी 100 कॉलेजेस को दिए हैं। आने वाले समय में अगले साल और 100 कॉलेजेस को हम लोग इसमें फंडिंग करवाएंगे। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हमने 5 यूनिवर्सिटीज को 20-20 करोड़ रुपए रूसा के अंतर्गत दिए, जिसमें वो ये सारे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हमारे लैब्स वगैरह ठीक करना, अपडेट करना, ये सारी चीजें की जा सकती है। ठीक, मैं समझती हूँ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि काफी कुछ कदम अब उठाए गए हैं, लेकिन प्रोफेसर्स की कमी के चलते ही राजस्थान यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास की दौड़ से खुद ही बाहर हो गई थी। ऐसे में कुछ मलाल है कि कदम अगर पहले उठा लिए जाते तो शायद इस लिस्ट में राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम भी रहता। देखिए, इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी इसीलिए आउट हुई है, ऐसा नहीं है हमारी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के दौड़ में से, लेकिन इसके और भी दूसरी भी मापदंड है, जैसे रिसर्च ही उसमें होना चाहिए, एफिलिएशंस, जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज होती है उनको उसमें मान्यता नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि यूनिवर्सिटीज के जो रुके हुए पद स्वीकृत के संदर्भ में, यूनिवर्सिटी में भी मैं मानती हूं कि बहुत सारी रिक्त पद है अभी और उनको भरने की आवश्यकता है, लेकिन पहले चरण में जो यूनिवर्सिटीज को मिला है उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा पद स्वीकृत हुए हैं। 217 के करीब हमारे टीचिंग के पद स्वीकृत हुए, नॉन टीचिंग के भी लगभग इतने ही, नॉन टीचिंग के भी पद स्वीकृत हुए और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये पद जब भर जाएंगे तो इसके बाद भी जो रेस्ट रह जाएंगे उसको भी भरने की स्वीकृति मिलेगी। हमारी और सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी, जो उनके रिक्त पद चल रहे थे उसमें काफी यूनिवर्सिटीज को अच्छे पदों की स्वीकृतियां हुई है, जिसका काम अभी जारी है, चाहे वो उदयपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे जयपुर यूनिवर्सिटी हो, इन सभी के अंदर जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा जो नई यूनिवर्सिटीज जो केवल अभी तक कांग्रेस के कार्यकाल में कागजों में ही चल रही थी,
उसको भी हम लोग लेकर आए। बांसवाड़ा की ट्राइबल यूनिवर्सिटी उनमें से है, जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट हुआ लेकिन वो यूनिवर्सिटी उदयपुर यूनिवर्सिटी के एक छात्रावास में चल रही थी। अब उस यूनिवर्सिटी को हमने बांसवाड़ा के अंदर ही उसे शिफ्ट किया है। बांसवाड़ा में जमीन अलॉट हुई है, लगभग 16.5 करोड़ रुपए उस बिल्डिंग के निर्माण के लिए इस एक साल के अंदर दिया है पहले चरण में। और ये जो यूनिवर्सिटीज अलवर है, सीकर है, भरतपुर यूनिवर्सिटी है, इन सब यूनिवर्सिटीज के अंदर 12.5 करोड़ इस बार बजट में सैंक्शन हुए। उनकी जमीनें अलोकेट होके बाउंड्री वॉल का कार्य और ये सारे काम चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में 5 डिपार्टमेंट्स दिए हैं नई यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसी के साथ पद भी स्वीकृत किए हैं। मैं समझती हूँ कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जो कमियां थी उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करी। इसी के साथ में अपर जो एक ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया, जो इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है, जहां पे बच्चे अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं, इंटरव्यूज के लिए अपनी तैयारियां कर सकते हैं। दिशारी योजना हमने शुरू करी, जहां पर हमारे बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, उसमें गाइडेंस मिलती है दिशारी योजना के माध्यम से। इसी में हमने इग्नू के कोर्सेज, जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, उनको कॉलेजेस में शुरू करवाया है। 16 कोर्सेज हमने पहले चरण में सिलेक्ट किए हैं, उनमें से कोई भी 5 कोर्स बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें पहले, आज से पहले नहीं थी कि स्किल डेवलपमेंट भी कॉलेज में शुरू हो। और दिशारी योजना, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर स्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की तैयारी करवाई जाती थी, लेकिन अब सरकारी कॉलेज में भी। साथ ही हमने प्लेसमेंट सेल चालू किया है, जो ट्रिपल आई सेल जिसको कहते हैं, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन सेल, जो कॉलेजेस प्रत्येक जिले के अंदर एक नोडल कॉलेज बनाया, जहां पर ये ट्रिपल आई सेल होगा, जहां इंडस्ट्रीज के साथ इंटरेक्शन करना है और उसमें इंडस्ट्रीज की क्या आवश्यकता है, किस तरीके की ट्रेनिंग हमारे विद्यार्थियों को इंडस्ट्रीज आकर कॉलेजेस में दे सकती है ताकि उनका प्लेसमेंट हो सके। ये सारी चीजें भी सरकार के लेवल पर हम लोगों ने प्रयास करने शुरू किए। एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल हम लोगों ने बनाया, जिस सेंट्रल प्लेसमेंट सेल में खास तौर से पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनका इंटरेक्शन हम इंडस्ट्रीज के साथ कराते हैं और एक तरह का एक हेतु का काम सरकार कर रही है। लगभग 450 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट पिछले 3 महीने के अंदर सरकारी विभाग के द्वारा, हमारे सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के द्वारा करवाया गया। ये जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट का भी कार्य कर रही है। हमने हायर एजुकेशन पोर्टल का निर्माण किया है, जिस पोर्टल के ऊपर समस्त जानकारी, कॉलेज के स्टूडेंट्स का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उसके ऊपर है, कॉलेजेस का है, यूनिवर्सिटीज का है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इन सबको भी इंसिस्ट किया है कि इस हायर एजुकेशन के पोर्टल के साथ उन्हें जुड़ना है, जो कि पहली बार हुआ है। जहां हम शाला दर्पण के नाम से स्कूल एजुकेशन के लिए भी पोर्टल बना है, इसी तरीके से शिक्षा दृष्टि के नाम से हायर एजुकेशन ने ये पोर्टल बनाया है। मैं ये सोचती हूँ कि ये जो पोर्टल के ऊपर जब जानकारी आएगी, लेक्चरर्स जो हमारे कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ाते हैं उनको आधार कार्ड के साथ में जोड़ेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में ये देखने में आता है कि एक ही लेक्चरर है जिसको 4 जगह कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस में उसके नाम दिए गए, तो जो तरीके है वो चीजें समाप्त होगी। ये सारी चीजें एक तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, और अभी हमने हाल ही में आज ही शुरू किया है एक गुरु शिक्ष संवाद का कार्यक्रम, जिसमें हमने इसकी शुरुआत जयपुर के जिले से शुरू करी है। जयपुर जिले के 11 कॉलेजेस को आज हम लोगों ने बुलाया था, उनके स्टूडेंट्स को, उनके लेक्चरर्स को, प्रिंसिपल्स को, और उसमें समस्त पूरे दिन भर चली और सारे जो एजुकेशन के ऊपर नए स्टेप्स क्या उठाने चाहिए, क्या कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेबोरेटरीज नहीं है, या हमारे पास खेल के मैदान होते हुए भी उसमें खेल की गतिविधियां नहीं हो रही है, या सफाई की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे हर इशू के ऊपर उनके साथ चर्चा हुई। लेक्चरर्स की कमी है, उसको भी हम लोगों ने कहीं लेक्चरर्स एक्शन लेंगे। आकर भी देखना होगा कि कितना ज्यादा उच्च शिक्षा का स्तर यहाँ आगे बढ़ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगामी कार्यों के लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे।